हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज के वीडियो में हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो एक इक्वेशन है जिसको कि सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है कि एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 5 माइनस एक्स माइनस 1 होल टू द पावर 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 244। इसको हमको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 माइनस, ठीक है, ये गिवन था हमें। तो आप ये देखो कि हमने एक्स प्लस 3 को हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिखा एक्स प्लस 1 प्लस 2 और एक्स माइनस 1 को हमने लिख लिया एक्स प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस 1 को हम ले लेते हैं लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पहला जो टर्म होगा वो हो जाएगा वाई प्लस 2 होल टू द पावर 5 माइनस वाई माइनस 2 होल टू द पावर 5, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 244। हमारा जो गिवन इक्वेशन था इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस 2 और होल टू द पावर 5 एंड y माइनस 2 होल टू द पावर 5। तो यहाँ पे ये बेसिकली बाइनोमियल से इसको हम दोनों को एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली वो रूल होता है कि आपका जब एक्सपेंड करते हो तो ये होता है आपका x प्लस a टू द पावर n, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक्सपेंड करेंगे, y प्लस 2 होल टू द पावर 5 को भी और इसको भी। फिर जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आप ये देखोगे कि हमारा जो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग टर्म होंगे वो होंगे 2 टाइम्स 5 सीवन वाई टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 सी 3 वाई स्क्वायर इंटू 2 क्यूब प्लस 5 सी टू द पावर 4 सॉरी 5 प्लस 5 सी 5 दिस टू द पावर 5 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 244। तो हमारा गिवन इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अब हमारा जो ये इक्वेशन था अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या किया इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ये 5 सी 1 की वैल्यू और ये 2 से मल्टीप्लाई होके हो गया ये 10 वाई टू द पावर 4 प्लस ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 वाई स्क्वायर प्लस 32 एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 244, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज अब यहाँ से अगेन 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5, ये आ जाएगा आपका 40 वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज बस सिंप्लीफाई करते जाना है आपको, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पे ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये आपका 4 था, ठीक है, 2 कॉमन लिया तो ये 4 हो गया, अभी 4 से डिवाइड होके आ जाएगा 61, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो गया, 5 वाई टू द पावर 4 प्लस 40 वाई स्क्वायर माइनस 45 दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा वाई टू द पावर 4 प्लस 8 वाई स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी आराम से फैक्टराइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आप देखोगे वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने सिंपल फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होने के लिए हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलवेज 0 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी और 9 ऐड कर रहे हैं हम, तो हम इसे ग्रेटर इक्वल ग्रेटर देन 0 ही आएगा हमारा। और तो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये 0 के जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, इसलिए वाई दिस शुड बी लेसर इक्वल टू माइनस 1 और वाई शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1 से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो अब वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वाई इक्वल टू हमने क्या लिया था, एक्स प्लस 1 लिया था, यानी कि एक्स प्लस 1 लेसर इक्वल टू माइनस 1 और एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो पहले वाले एक्स प्लस 1 लेसर इक्वल टू माइनस 1 से क्या मिल जाएगा कि एक्स हमारा कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 पे क्लोज होगा क्योंकि आप इक्वालिटी होल्ड कर रहे। और इससे क्या मिल जाएगा आपको,
एक्स बिलोंग करेगा हमारा 0 to infinity, ठीक है। तो यानी कि एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी माइनस टू यूनियन एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 0 and infinity, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इन इंटरवल्स के बीच में लाई करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी था ये, तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल्स का यूज़ करके फिर इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।